नमस्कार, मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। क्षेत्र के विधानसभा सुकुहाबाद में युवा मोर्चा भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि योगी मोदी के नेतृत्व में प्रदेश व देश आगे बढ़ा। कहा कि चाहे फ्री राशन हो, चाहे शौचालय, आवास योजना, श्रम कार्ड योजना, आयुष्मान कार्ड या फिर किसानों की कर्ज माफी रही हो, भाजपा ने बेहतर काम किया। यह देश के लिए सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा का युवा कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। प्रत्याशी ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि यदि वह जीत जाते हैं तो वह हमेशा जनता के बीच रहेंगे, उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा, जो भी योजनाएं होंगी वह जनता के बीच लाने का पूरा ध्यान रखेंगे। इस मौके पर अंकित तिवारी जिला अध्यक्ष, मयंक तिवारी जिला उपाध्यक्ष, उत्कर्ष अग्रवाल, रिंकु शर्मा, हिमांशु शर्मा, अवनीश कुशवाहा, हिमांशु बघेल, राहुल यादव, सौरभ साख, निशांत राघव, डी के तोमर आदि मौजूद रहे। तो देखते रहिए C20 न्यूज के साथ मुकेश गुप्ता की खातरपुर। ये आज जो केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी, उन योजनाओं को लेकर जो मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो योजनाएं हैं, जो विचारधारा है, उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी के निमित्त आज सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सभी लोग इसलिए हुए हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क करके उनको जन जागरूक कर पाए, ताकि नियमित के तहत हम उनको ये संदेश पहुंचा सकें कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग सुरक्षित हैं, विकास की जो धारा बही है, आप लोग से यही निवेदन करने आए हम लोग सभी जनता से, जनार्दन से, कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। जय हिंद, जय भारत। आपकी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज समस्त उत्तर प्रदेश में प्ले कार्ड का एक प्रचार, इसमें भाजपा सरकार द्वारा जनहित में जो योजना जारी करेगी उन सभी की बनी हुई प्ले कार्ड हम लोगों ने आज जगह जगह प्रमुख चौराहे पर लेकर युवा मोर्चा कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, जिससे जनता में हम लोगों की योजना को पहुंचा सके। और जो इस समय चुनाव आयोग की कोविड की गाइडलाइन चल रही है वो सबका पालन करते हुए हम सब लोग मास्क वगैरह लगाकर अपनी सरकार का प्रचार कर रहे हैं और चुनाव में बढ़ चढ़कर युवा मोर्चा हिस्सा। युवा मोर्चा ने आपका स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे आज? पहले तो मैं अपने सभी नौजवान युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे आज सभी यहाँ बुलाकर सुकुहाबाद में, और उनने मेरा स्वागत किया। और अभी कल मेरी टिकट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नानित्व में और सभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझ जैसे कार्यकर्ता की उन्होंने यहाँ ईमानदारी के तौर पर उन्होंने यहाँ मुझे टिकट देने का काम किया है। और जो समाजवादी पार्टी का जो 5 वर्ष से लगातार जो देख रहे थे मेरा कार्यकाल था, वो बहुत संघर्ष करता रहा, मगर अक्षय यादव ने यहाँ फिरोजाबाद पूरे जिले में 5 सीटों बेचने का काम किया और समाजवादी पार्टी कुल मिला के ये खाली जैसा उनका चरित्र है उसी के अनुसार कार्य करती है। और उसी के तौर पर अक्षय यादव फिरोजाबाद को और पूरे 5 विधानसभाओं में हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी 5 प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाएंगे और भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। हम अपने युवाओं से पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप जिस तरीका से मेरा स्वागत कर रहे हैं, आप सरकार बनने पर और मैं जीत के जाऊँगा उसी तरीका से मैं आपका स्वागत करूँगा और आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर हर समय खड़ा रहूँगा आपके साथ।